आपको कुछ ये बताने की कोशिश करूंगा कि टेलीग्राफ कैसे एक रेवोल्यूशन लेके आया इन मैस कम्युनिकेशन इन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और अक्रॉस द कॉन्टीनेंट और अक्रॉस द अटलांटिकेशन हुई हम उनके बारे में आज बात करेंगे टेलीग्राफ़ मुख्तलिफ फेजेस से कैसे डेवलप होते हुए टेलीग्राफ से आ, 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 आगे दूसरी फॉर्म्स तक जा पहुंचा जो कि हमारे पास आज का न्यू मीडिया के फॉर्म में अवेलेबल हैं और किस तरीके से टेलीग्राफ़ ने न्यूज़ एजेंसीज के इरा को जन्म दिया न्यूज़ एजेंसीज वजूद में आई जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट जिसे आप कह सकते हैं कि फीड चैनल है न्यूज़ फीड चैनल है फॉर द मीडिया ऑर्गनाइजेशन हम उनके मतलब भी आज बात करेंगे आज के डिस्कशन में एक जो एंड में एक इंटरेस्टिंग चीज़ में आपके सामने लेके आऊँगा वो है कि राइटर्स जो कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है आपने अक्सर न्यूज़पेपर में सोर्स में राइटर को देखा होगा न्यूज़ एजेंसी के तौर पर उसकी डेवलपमेंट पे भी मैं आज थोड़ा सा एक डिस्कशन करूंगा कि राइटर मुख्तलिफ से होते हुए हो किस तरह एक इंटरनेशनल और एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन की सूरत में सामने आई तो इस पे भी एक डिबेट होगी लेकिन आ, सबसे पहले हम आज ये बात करने की कोशिश करते हैं कि टेलीग्राफ क्या है और टेलीग्राफ किस तरीके से डेवलप हुआ इसको डेवलप किसने किया किस मुल्क में सबसे ज़्यादा आ, इसका कंट्रोल रहा है और किस तरीके से टेलीग्राफ ने फैसिलिटेट किया ट्रेड को कम्युनिकेशन को और इंटरनेशनल कम्यूनिकेशन को टेलीग्राफ को अगर मैं थोड़ा सा के लिए डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो शायद मैं इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकूँगा कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि सिग्नल्स के थ्रू सिग्नल्स थ्रू केबल्स जब ट्रांसमिट होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में तो दे देरी सर्टन मैसेज एक सिग्नल की फॉर्म में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचता है लेकिन थ्रू केबल यानी जो टेलीग्राफ का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस थ्रू केबल तो अब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अब ये पॉइंट्स जो हैं ये दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आपस में थ्रू केबल कनेक्टेड भी हो सकते हैं तो इंस्टेंटली विद द स्पीड ऑफ लाइट मैसेज एक हिस्से से दुनिया के दूसरे हिस्से में आसानी से पहुंच सकता है तो इनफैक्ट ये जो टेलीग्राफ का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली केबल के थ्रू है दिस इज नॉट अ वायरलेस कॉन्सेप्ट ये हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि टेलीग्राफ जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि के थ्रू केबल कनेक्टिविटी है अब एक और लफ्ज इसके साथ साथ इस्तेमाल होता है टेलीग्राफी टेलीग्राफी बेसिकली उसकी तरफ ले जाता है हमें जिसमें को केबल की एब्सेंस में किसी तरह से कम्युनिकेशन हो रही हो तो हम टेलीग्राफी की बात नहीं कर रहे हम टेलीग्राफ की बात करेंगे जिसमें केबल के थ्रू कनेक्टिविटी होती है और मैसेजेस जो हैं वो वन नोड टू अनदर नोट ट्रांसमिट होते हैं तो ये कैसे डिवेलप हुआ किसने डिवेलप किया और टेलीग्राफ क्या रेवोल्यूशन लेके आया इन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इस पर एक नज़र डालते हैं अच्छा टेलीग्राफ 1837 में सेमुअल मार्स ने इसको इन्वेंट किया था सेमुअल मार्स बेसिकली एक इटालियन नजाद ब्रिटिश था ही वाज इन्फेक्ट फ्रॉम इटली लेकिन वो आ, उसकी एजुकेशन और उसकी जो ब्रॉटअप है वो ब्रिटेन में हुआ आ, वहाँ पे इसने रिसर्चेस की वहाँ पे इसने अच्छा खासा सिग्नल्स पे काम किया और उसके बाद टेलीग्राफ केबल्स आ, वो इन्वेंट करने की पोजीशन में आया और जो पहला एक तरह से ऑफिशियल टेलीग्राफ मैसेज था वो सैमुअल मोर्स ने मे 24, 1844 में फर्स्ट टाइम ये एक तरह से एक मैसेज दिया और ये मैसेज बेसिकली बिटवीन द टू प्लेसेस था बाल्टीमोर और वाशिंगटन के दरमियान में एक टेलीग्राफ लाइन पे ये मैसेज दिया गया था अब इंटरेस्टिंग जो वर्डिंग है इस टेलीग्राफ की वो आप जरा देखें कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रही होगी वट हैथ गॉड ये होता है कि what God has brought about. Interestingly, आप ये देखें कि इस जगह पर खुद एक तरह से अल्लाह की सनाई बयान कर रहा है कि अल्लाह मैंने ने क्या चीज इंसान के हाथ इंसान के थ्रू इन्वेंट कराई है अल्लाह मैंने ने क्या दिया है हमें कि इस तरह से भी हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो कम्युनिकेशन बेसिकली दो मुख्तलिफ शहरों के दरमियान में थी एंड दैट वाज एन इंस्टेंट कम्युनिकेशन यानी आप कह सकते हैं कि विद स्पीड ऑफ लाइट द मैसेज ट्रेवल फ्रॉम बाल्टीमोर टू वाशिंगटन एंड दिस हैपन टू बी द फर्स्ट टेलीग्राफ मैसेज जो कि मे ट्वेंटी फोर में पहली मरतबा सैम्यूल uh, मॉर्स ने इस मैसेज को कम्युनिकेट किया था फिर उसके बाद तो एक तरह से एक हिस्ट्री में अगर आप देखें तो नज़र ये आता है कि फिर टेलीग्राफ की डेवलपमेंट की जो फेज़ हैं वो कोई इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी हैं कि मुख्तलिफ तरह से हमें ये नज़र आना शुरू हो गया कि टेलीग्राफ बिकेम अ वेरी वाइटल सोर्स फॉर ट्रेड कम्युनिकेशन क्योंकि ट्रेड में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंफॉर्मेशन जो है ना वो टाइमली इंफॉर्मेशन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कम्युनिकेट हो सके तो इसकी जो सबसे इम्पॉटेंट और उस वक्त आ, की जिसमें 1844 की बात कर रहा हूँ उसके बाद फिर ये जब कमर्शियलाइज होना शुरू हुआ तो फर्स्ट टाइम बड़ी बड़ी जो मेगा कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने टेलीग्राफ़ को यूज़ करना शुरू किया और उन्होंने इस पे ज़्यादा रिसर्च पर इस पर पैसे खर्च करना शुरू कर दिए इसकी यूटिलिटी जो है वो उनको अपने बिजनेसेस की आ, आ, सूरत में ज़्यादा नज़र आए क्योंकि वो टाइमली डिसीजन मेकिंग में वो इन्वॉल्व हो पा रहे थे और बिजनेस के ट्रांजैक्शंस बड़े क्विकली हो रही थी और इवन मनी ऑर्डर एट दैट टाइम भी आ, थ्रू टेलीग्राफ जो है वो ट्रांसमिट होना शुरू हो रहे थे तो पैसे की ट्रांजेक्शन बड़ी तेज़ी से हो रही थी आ, कमर्शल इंफॉमेशन की ट्रांसमिशन जो है ना वो बड़ी तेज़ी से हो रही थी द तो जो फर्स्ट एवर यूज़ हमें नज़र आता है बड़े हैवी यूज़ नज़र आता है टेलीग्राफ का वो बाई द कमर्शल इंस्टीट्यूशन फॉर द इकनॉमिक परपजेज हमें जो है वो ज़्यादा यहाँ पे नजर आ रहा है इंडस्ट्रियल यूज़ भी हमें अच्छा खासा नजर आ रहा है कि इंडस्ट्रियल गुड्स की ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल गुड्स की मतलब जो इंफॉर्मेशन थी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी तेज़ी से जो है ना वो दुनिया के अंदर होना शुरू हो गई थी उस वक्त जिस वक्त के ये प्रोडक्ट है यानी मैं एंड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी अगर मैं बात करना शुरू करूँ तो दिस तो वॉज अ टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडस्ट्रियल गर्ड इन्फॉमे अबाउट द इंडस्ट्रियल इन्वेंशनज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्रीज ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट uh, थी फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स और उसको फैसिलिटेट करने के लिए उनके पास एक बेहतरीन ज़रिया जो है वो ईजाद हो चुका था बाई जो कि सैमुल मार्स की कंट्रीब्यूशन से ईजाद हुआ था तो इंडस्ट्रियल और इकनॉमिक और कमर्शल जो उस वक्त इसके यूज़ थे वो आ, आ, किसी और किस्म के यूजेज जैसे कि मिलिट्री हो सकते हैं या किसी स्टेट के हो सकते हैं या इंफॉर्मेशन कन्वे करने के हो सकते हैं वो कहीं कम थे लेकिन जो इनिशियली जिस में ये ज़्यादा टेलीग्राफ इस्तेमाल हुआ वो कमर्शियल बिजनेस और इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर ज़्यादा हुआ अच्छा इसकी जो फिर उसके बाद एक रैपिड डिवेलपमेंट होना शुरू हुई तो उसने ब्रिटिश एम्पायर को बड़ा हेल्प किया इन इट्स यूनिफिकेशन क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर बहुत फैली हुई एम्पायर थी और उसके मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर कंट्रोल थे जैसा कि मैं पहले भी अपने पीछे लेक्चर में इस बात आ, इस पर बात कर चुका हूँ कि टेलीग्राफ ने ब्रिटिश एम्पायर जो कि मुख्तलिफ आ, बड़े डिस्टेंसेस पर मुख्तफ स्टेट्स अवेलेबल थी उनके लिए ब्रिटिश एम्पायर के लिए ये बात एक बहुत फ़ायदा साबित हुई कि दे वर एबल टू यूनिफाई देयर एम्पायर वो वहां पर इफेक्टिव कंट्रोल हासिल कर सके इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली डिलीवर कर सके और पोलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन इन इंस्टेंस इन इंस्टेंस जो है ना वो कम्युनिकेट हो पा रहे थे फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगर हम इसको आ, पाकिस्तान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हवाले से अगर आप हाँ देखें तो वहां पर उनके लिए एक बहुत फायदे की बात यह हुई कि विद इन सेकेंड्स ब्रिटिश एम्पायर से या उनके जो आ, सेंटर ऑफ पार है दैट वॉज इन लंडन तो वहाँ से इंफॉर्मेशन विद इन नो टाइम बॉम्बे में कालकाता में और इसके अलावा जो उनके इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन सब कॉन्टिनेंट थे उन सब पर बड़े आसानी से पहुँच रही थी तो ये ये चीज़ें जो है उस वक्त बड़ी अहम और बड़ी इम्पोर्टेंट कंसीडर की गई कि ब्रिटिश सिस्टम की स्टेबलिशमेंट के लिए उनकी स्ट्रेंथ के लिए उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इस टेलीग्राफ की टेक्नोलॉजी को बड़ा इफेक्टिवली इस्तेमाल किया और उनके फिर बहुत सारे ऑफिसेज़ यहाँ पर इस रीजन के अंदर भी खुल गए जिसको हम इंडियन सब कॉन्टीनेंट कहते हैं यहाँ इस रीजन में भी इनके ऑफिसेज़ खुले जो कि टेलीग्राफ की मेंटेनेंस के हवाले से भी थे और टेलीग्राफ की डेवलपमेंट के हवाले से भी थे जो टेलीग्राफ की पूरी पूरी एक्टिविटीज बिटवीन ब्रिटिश हेडकोर्टर एंड इट्स कॉलोनीज उसको उनके दरम्यान में एक लिंक डेवलप करने के लिए टेलीग्राफ ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जिसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी ये टेलीग्राफ के जो कम्युनिकेशन थी डेट वाज ऑल थ्रू सी ओवर ग्राउंड जो है ना वो कम थी लेकिन ज्यादातर जो केबल की कनेक्टिविटी थी दुनिया के मुख्तलि इलाकों के साथ साथ सब कॉन्टीनेंट के साथ भी ब्रिटेन की जो कनेक्टिविटी थी ट वॉज थ्रू सी अच्छा एक केबल जो है वो थ्रू ग्राउंड भी बिछाई गई जो कि टर्की के रास्ते टर्की ईरान अफगानिस्तान और इस रास्ते से होते हुए सब कॉन्टिनेंट के अंदर दाखिल हो रही थी और इसके अलावा एक और केबल उन्होंने बिछाई थी जो कि रशिया के साथ साथ रशिया रशिया से हो सकता है कि चाइना और सिल्क रूट को क्रॉस करते हुए इंडियन सब कॉन्टीनेंट के अंदर आ रही थी तो ये दो ग्राउंड रूट्स भी थे जहाँ पर टेलीग्राफ की केबल जो है बिछाई गई थी इस इलाके पे कंट्रोल हासिल करने के लिए और इस इलाके के साथ कम्युनिकेशन में आने के लिए बाय द ब्रिटिशर्स लेकिन एक जो अहम चीज़ थी वो थ्रू ब्लैक सी और आ, समंदर के रास्ते से भी आ, इस एरिया को जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं ब्रिटिश ने ब्रिटिश ने अपने जो आ, उनका हेड क्वार्टर लंडन में था उसके साथ उसको इफेक्टिवली कनेक्ट किया अच्छा यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती जो टेलीग्राफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन हमें देखने में नजर आता है ड्यूरिंग वॉर्स एंड ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट फॉर इंस्टेंस मैं अगर आपको इसकी एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँ तो एटीन में जब अलजेरिया के आकुपेशन का सिलसिला उस वक्त हो रहा था तो उस वक्त में टेलीग्राफ ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसलिए कि मिलिट्री को जो अ, एक इंफॉर्मेशन की सूरत में एड मिल रही थी और बड़ी इंस्टेंटली एड मिल रही थी जिसकी वजह से वो बड़े तेजी से अपने सक्सेस भी कर पाए दैट वाज ऑल थ्रू द टेलीग्राफ एंड टेलीग्राफ वाज

और मिलिट्रीज आगे जा रही हूँ ऑक्यूपेशन के लिए तो उन मिलिट्री के वेरियस यूनिट्स के अंदर और उनका हेडक्वार्टर के साथ जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जंग की सूरत में ये एक कलीदी किरदार अदा करता है एक एक, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉट ओनली दिस अगर हम इसको यूएस सिविल वॉर के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करें तो यूएस सिविल वॉर के अंदर जो कि 1861 और 65 के दरमियान में लड़ी गई तो उस वक्त भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल टेलीग्राफ ने प्ले uh, किया दैट टू ऑन डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और उसमें जो uh, जो फैक्ट सामने आए हैं उसमें यह था कि ट्वेंटी फोर थाउजेंड किलोमीटर जो है ना वो केबल उस वक्त लेट डाउन की गई थी और उसके थ्रू कोई सिक्स पॉइंट फाइव मिलियंस टेलीग्राम्स जो हैं वो ट्रांसमिट किए गए फ्रॉम वन नोट टू अनदर एंड अनदर नोट टू अनदर तो ये एक uh, बड़ा इफेक्टिव सोर्स था जिसके थ्रू Uh, uh, कॉन्फ्लिक्ट में भी इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वार्स की सूरत में भी इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अच्छा जब हम सिविल यूएस सिविल वार की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट गिविंग इंफॉर्मेशन टू द मिलिट्रीज एंड कनेक्टिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्टेट बल्कि वार की रिपोर्टिंग के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सामने आई रिपोर्ट के किस जगह पर किस किस्म की अट्रॉसिटीज कर हो चुकी हैं उसके हवाले से रिपोर्टिंग भी हो रही थी और साथ साथ ऑफ कोर्स जो चीजें चल रही थी वो कमर्शियल और ट्रेड इंफॉर्मेशन भी ड्यूरिंग दैट टाइम ट्रांसमिट हो रही हो थी थोड़ा सा मैं अगर आपको इस तरफ ले जाऊं और दिखाने की कोशिश करूं कि जो पहली uh, एक केबल अंडर वाट अंडर सी केबल जो पहली बिछाई गई थी वो दैट वाज लिंकिंग ब्रिटेन एंड फ्रांस तो ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान में जो ऑपरेशनल uh, हुई है पहली टेलीग्राफ वो 1851 में यानी जो समंदर के अंदर से समंदर के आ, अंडर वाटर जो है अंडर सी एक केबल बिछाई गई थी जिसके थ्रू दो नोट्स को कनेक्ट किया गया था और उनके दरम्यान में कम्युनिकेशन हुई थी दैट वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ट्रांस एटलांटिक कम्युनिकेशन दिस वाज बेसिकली द इंग्लिश चैनल विच वॉज बिंग लिंग फ्रांस को और ब्रिटेन uh, को आपस में मिलाया जा रहा था अच्छा इसके अलावा जो फर्स्ट ट्रांस एटलान्ट केबल दैट वॉज कनेक्ट इन ब्रिटेन विद the United स्टेट ये एटीन सिक्सटी सिक्स में बिछाई गई थी अब अगर इसको आज के दौर में भी अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करें कि हाउ बिग वॉज दैट टास्क एन सिक्सटी सिक्स के अंदर परफॉर्म किया गया बाई बाई दीज एम्पायरस कि जो अमेरिका को और ब्रिटेन को आपस में अटलान्ट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं अगर आज भी आप अगर बिटवीन लंडन एंड न्यू यॉर्क के दरम्यान में अटलान्ट का सारा ट्रेवल करने की कोशिश करें तो दैट इज सिक्स टू सेवन आर्स एयर ट्रेवल है जो कि एटलान्टे के ऊपर तो आप थोड़ा सा गौर करें कि कितनी बड़ी ये डेवलपमेंट थी जो कि 1866 के अंदर समंदर के अंदर से जो है ना वो केबल गुजार के अमेरिका को और ब्रिटेन को आपस में कनेक्ट किया गया था अच्छा अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा अगर आगे और उसको देखने की कोशिश करें तो एटीन और एटीन के दरमियान में Uh, एक और uh, uh, केबल भी बिछाई गई जो कि नॉर्थ एटलांटिक को जो कि नॉर्थ एटलांटिक को मेडिटोरेनियन सी को और इंडियन ओशन को और इसके अलावा पर्शियन गल्फ को भी कनेक्ट आपस में कर रही थी तो यू सी दिस वाज सट ऑफ ह्यूज डेवलपमेंट दैट वाज अकरिंग इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट या इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द टेलीग्राफ इन द वर्ल्ड क्योंकि टेलीग्राफ वॉज कंसिडर्ड एज समथिंग पिविटल फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ अ नेशन इन टर्फ़ इकानी इन टर्म्स ऑफ इस कंट्रोल इट्स वेरियस पेरीफरीज क्योंकि एम्पायर्स उस वक्त एग्जिस्ट कर रही थी दुनिया पर मुख्तफ एम्पायर्स का कंट्रोल था तो उन कंट्रोल्स को एक्सटेंसिव बनाने के लिए उन कंट्रोल्स को ज़्यादा एफक्टिव बनाने के लिए Uh, uh, टेलीग्राफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था और उस वक्त जो तमाम इंपॉर्टेंट सीज थे जिसमें मैं आपको अटलांटिक की बात भी कर चुका हूं आपको नॉर्थ अटलांटिक की बात भी कर चुका हूं मेडिट्रेनियन सी की बात कर चुका हूं इंडियन ओशन की बात कर चुका हूं पर्शियन गल्फ को और इवन uh, पैसिफिक साइड भी कवर की गई और उसके थ्रू भी uh, केबल बिछा के जो वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कि हमारे मिडल ईस्ट की तरफ हैं उनको भी आपस में कनेक्ट किया गया था अच्छा ड्यूरिंग एटीन सिक्सटीज एंड सेवनटीन लंडन को जो है ना वो केबल के थ्रू दुनिया के और के अंदर भी कनेक्ट किया गया तो इसमें से मोस्टली जो कनेक्शन हैं वो अंडर सीज थे लेकिन कुछ ऐसे कनेक्शन भी हैं जो कि ऑन ग्राउंड जिसे आप कह सकते हैं कि ज़मीन पर उन केबल्स को बिछाया गया था और उन ममालिक को आ, आपस में कनेक्ट किया गया था और जो आ, एक तरह से फर्स्ट यूरोपियन और इंडिया का जो लैंडलाइन का जो कनेक्शन था दैट वाज मेड थ्रू टर्की इन 1865 में ये ऑपरेशनल हो चुका था तो 1865 मींस सम 150 इयर्स फ्रॉम नाउ ये ब्रिटेन और ये हमारा सब कॉन्टिनेंट ये आपस में इसके थ्रू कनेक्ट हो चुके थे और ये ऑन ग्राउंड कनेक्शन था दिस वाज नॉट अंडर सी कनेक्शन इसलिए किसे दो और केबल जैसे कि के मैं आपको पहले भी जो ओवरलैंड कनेक्शन था उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर चुका एक रशिया से आ रही थी जो कि रशिया से होती हुई हमारे रीजन की तरफ आ रही थी और दूसरी जो है ना वो वाया सी भी अलेक्जेंड्रिया और एडन से होती हुई आ, इस रीजन को पहुंच रही थी एंड देट वॉज कम्पलीटेड इन एटीन तो एटीन और एटीन का जो दरमियान का टाइम है इस टाइम के दौरान में ब्रिटेन पूरे के पूरे एक तरह से इस रीजन के साथ कनेक्टेड हो चुके थे एंड बाय ऑल मीन्स दे वर कनेक्टेड विद दब कॉन्टिनेंट थ्रू सी

ल्ड ऑफ द एक्टिविटी तो इसके लिए उनको बड़े स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन लिंक्स चाहिए थे जो उन्होंने विद द हेल्प ऑफ टेलीग्राफ स्टैब्लिश किए हम थोड़ा सा आगे जाते हैं इस तरीके से अगर हम ट्रांस अटलांटिक केबल को देखें तो 1874 में साउथ uh, अमेरिका भी सारा का सारा केबल के थ्रू कनेक्ट हो चुका था जिसमें लिस्बन वगैरह या रेसिपी या ब्राज़ील या आपका आ, लेटन अमेरिकन कंट्रीज हो गए और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हो गए ये सारे के सारे भी थ्रू केबल आपस में कनेक्ट हो चुके थे और कम्युनिकेशन बड़ी इफेक्टिवली थ्रू तो टेलीग्राफ हो रही थी उस वक्त और कुछ सालों के बाद इनके जो कनेक्शन हैं वो चिली तक इवन जा पहुंचे थे इवन बाय 1881 जो है वो कनेक्शन जो है वो मैक्सिको और पेरू तक जा पहुंचा था और फुली ऑपरेशनल होकर वो जा पहुंचा था तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं इन शॉर्ट अगर आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये सारे के सारे के जो कि दुनिया में बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे जिनके हैं जिन जिनके थ्रू जिन जहां पर इधर uh, कोई uh, uh, कॉलोनी के तौर पर काम कर रही थी किसी एम्पायर की या जहां पर कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं कोई कमर्शियल एक्टिविटी की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं ये हर सूरत में हर दो सूरतों में ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड थे कनेक्टेड विद देयर एम्पायर कनेक्टेड विद देयर सेंटर्स ऑफ पावर्स उनके साथ वो किसी ना किसी सूरत में कनेक्शन में आ चुके थे अच्छा अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आती है कि अगर हम अंडर सी किसी भी कनेक्शन को ऐसे डिवेलप करने की कोशिश करते हैं टेलीग्राफ कनेक्शन को डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो दैट कॉस्ट ह्यूज इन्वेस्टमेंट और इसकी जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है वो कहां से आ रही थी कौन इनमें इन्वेस्ट कर रहा था तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी इन को आपस में कनेक्ट करने की वो तो यकीन इन एम्पायर ने और इनके जो सेंटर्स हैं उन्होंने इसके लिए इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट थी वो प्रोवाइड की लेकिन आफ्टर सम टाइम क्योंकि मेन जो इसमें चीज़ थी वो कैपिटल इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्व था लेकिन आफ्टर सम टाइम इसमें इन्वाइट किया गया प्राइवेट कंपनीज को बैंक्स को और वेरियस कमर्शियल इंस्टीट्यूशन को उनके लिए ये ओपन किया गया कि दे शुड कम एंड दे शुड इन्वेस्ट मनी इन टू दैट अब अमेरिका की साइड पे अगर आप देखें तो वहां पर उन्होंने मेनली इन प्राइवेट कंसर्नस पे बैंक्स पे कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस पे रिलाई किया कि वो अपने इस किस्म के नेटवर्क्स को टब्लिश करें लेकिन ब्रिटेन इसमें थोड़ा सा पीछे इस सूरत में थे कि मेनली ब्रिटेन ही इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे थी। बट आफ्टर सम टाइम ब्रिटेन गवर्नमेंट भी इस चीज पे आई कि प्राइवेट कंपनीज को आ, ये ऑप्शन दिया जाए कि वो अपने नेटवर्क्स को और अपने टेलीग्राफिक नेटवर्क्स को इस्टबलिश करें तो फिर उसके बाद एक तरह से एक मशरूम ग्रोथ या एक बड़ी जिसे आप कह सकते हैं कि रैपिड आ, इस पे कैपिटल फ्लो आया फ्रॉम प्राइवेट कंसर्न टू तो, टू तो हैव दिस काइंड ऑफ स्टैब्लिशमेंट जो कि टेलीग्राफिक लिंक की सूरत में मौजूद थे मैं आपको इस पर अगर इंटरेस्टिंग फिगर दूं कि तकरीबन एक लाख चार हजार माइल्स का यानी मैं माइल्स की बात करूँ नॉट टॉक अबाउट किलोमीटर्स ये जो केबल बिछाई गई है इसमें से अगर हम इसको टोटल अगर देखने की कोशिश करें तो नॉट मोर देन टेन परसेंट ऑफ द मनी ऑफ द कैपिटल फॉर द दबलिशमेंट ऑफ दिस टेलीग्राफ लिंक इन वेरियस ऑफ द वर्ल्ड दैट वॉज प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट्स 90% से ज्यादा जो इसमें कैपिटल था दैट वाज ऑफ प्राइवेट कंसर्न बैंक्स और वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन थे उनकी तरफ से ये चीजें आ रही थी तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जिसमें गवर्नमेंट्स ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की और फिर उसके बाद दे केप्ट दिस थिंग ओपन फॉर वेंचर फॉर वेरियस इंटरनेशनल कमर्शल इंस्टीट्यूशन बैंक तो उन्होंने इस पर फिर बड़ा हैवीली इन्वेस्ट किया अच्छा अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट और बात सामने आती है कि इसकी रेगुलेशन ऑफ कोर्स एन अदर एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि इसकी रेगुलेशन का क्या मैकेनिज्म होगा क्योंकि बाज दुनिया के अंदर इवेंट्स ऐसे हुए हैं कि जहाँ पर कहीं पे कोई जंग की सी सूरत हाल या कॉन्फ्लिक्ट की किसी सूरत हाल आई तो जिस मुल्क के एरिया में से वो कोई केबल अगर गुजर रही थी तो दैट वाज कट डाउन मिसाल के तौर पर इसकी अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूँ तो ये कुछ इस किस्म की इंफॉर्मेशन इसम सूरत हाल जर्मनी के साथ भी पेश आई इस इसम सूरत हाल फ्रांस के साथ भी पेश आई कि जब वॉर किसी सिचुएशन पैदा हुई तो ब्रिटेन ने और मुख्तलिफ और ममालिक गुजर रही थी वहां पर दे कट डाउन देयर कनेक्शन दैट क्रिएटेड अट ऑफ फ्रस्टेशन दैट क्रिएटेड अट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द वेरियस पॉट फॉर द वेरियस कंट्रीज जिनकी यकीन एक बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी ऑफकोर्स उस पर वॉर और कॉन्फ्लिक्ट की इंफॉर्मेशन भी आ रही थी लेकिन मोर देन दैट उस वक्त कमर्शियल और इकोनॉमिक न्यूज भी उस पर शिफ्ट हो रही थी ट्रांसफर हो रही थी फ्रॉम वन पॉइंट वन अदर तो जब इस किस्म का कट कॉन्फ्लिक की सूरत में या वार की सूरत में जब लग जाता है तो वो पूरा uh, जो उनका एक नेटवर्क है वो एक तरह से इसमें फ्लॉप हो रहा था तो यहाँ पर इस बात की इस मौके पे इस बात की जरूरत पेश आई कि वी शुड हैव सर्टेन रेगुलेशंस फॉर ऑल दैट और इसके लिए कोई ऐसी आ, आ, यूनियन टाइप बनाया जाए इसके लिए कोई ऐसे कंसोशन टाइप बनाया जाए जो इस किस्म के मैटर्स को रेगुलेट करे क्योंकि जिस तरह से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट उभरता है किसी एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ और उस कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में दे पॉसिबली कैन कट ईच अदर्स कनेक्शन ऑफ टेलीग्राफ तो इस चीज़ की जरूरत को महसूस करते हुए फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन जो है ना वो स्टैब्लिश की गई दैट वॉज फाउंडेड और वो 1865 में पहली मरतबा आ, ये यूनियन फॉर्म की गई और जिसमें टोटल 22 टू थे जिसे मोस्टली यूरोप और एशिया के ममालिक इसमें शामिल थे और इस पर जो है ना फर्स्ट इंटरनेशनल जिसे आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन के, के तौर पर एक इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन जो है वो डिवेलप हुई जिसका मेन काम ये था कि किसी तरी किसी तरीके से ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है ये डिस्टर्ब ना हो इवन इन केस ऑफ़ एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और इन केस ऑफ वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज तो इनके आपस में वॉर की सूरत में जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो डिस्ट्रॉय ना हो वो वो आपस में एक दूसरे के साथ उनके जो कमर्शल कनेक्टिविटी है वो डिस्कनेक्ट uh, ना हो इस चीज़ का मेन जो आ, आ, एरिया ऑफ चुरुस्टिक्शन जो इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन का था उसका ये मेन ये एरिया बनता था और इस पर इन लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी किया अच्छा इसमें जो इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन थी इसमें जो नंबर ऑफ टेलीग्राफ ट्रांसमिशन जो के उस वक्त हो रहे थे इस यूनियन के बनने से पहले दीज वर अराउंड ट्वेंटी नाइन मिलियज इन एटीन सिक्सटी एट अब उसका इम्पैक्ट देखें कि जब ये ट्रांसमिशन के हवाले से एक मैकेनिज्म बना एक रेगुलेशन की बॉडी बनी तो उसके यकीन बहुत गहरे असर थे ओवर वेरियस पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड अदर ऑन द होल वर्ल्ड क्योंकि वो जो नाइनटीन uh, में जो टोटल 29 मिलियन उस वक्त जो रिकॉर्डेड ट्रांसमिशन टेलीग्राफ के थ्रू हो रही थी तो इस इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के बनने के बाद और एक रेगुलेटरी बॉडी बनने के बाद और इस किस्म के मसाइल आ, आ, की यकीन दहानी के फिर दोबारा से नहीं होगा कि जब दो मुल्क आपस में कॉन्फ्लिक्ट में हो तो ये ये आ, अपने इलाकों में से गुजरने वाली केबल्स को कट कर दें इस किस्म की गारंटीज मिलने के बाद जो 1900 में यानी इन द बिगिनिंग ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी उसमें जो ट्रांसमिशन की तादाद थी वो 29 से बढ़कर 329 मिलियंस हो गई थी यू कैन सी के इसके अंदर जो 32 इयर्स के अंदर आपको जो एक, एक सर्ज नजर आता है जो 29 मिलियन से 329 ट्वेंटी मिलियंस तक चला गया था तो एक रेगुलेटरी बॉडी का ऑफ कोर्स होना बहुत जरूरी था और दिस नीड मेट विद दबलिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन इन 1865। अच्छा जैसे मैं थोड़ी पहले आपको बता रहा था कि ड्यूरिंग मिलिट्री ऑपरेशन आमतौर तो पर इस किस्म की सूरत हाल पेश आती थी कि टेलीग्राफिक uh, जो कनेक्शन थे आपस में एक दूसरे के साथ डिसकनेक्ट कर दिए जाते थे तो इवन आफ्टर देंट ऑफ इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन भी हमें ये नज़र आता है जैसे फॉर इंस्टेंस कि 1904 एंड 5 में जब जो जैपनीज और रशियन वॉर लड़ी जा रही थी तो उस वक्त में इस किस्म की जो है ना वो बहुत जिसे आप कह सकते हैं वो ट्रांस पैसिफिक जो पैसिफिक के थ्रू जो केबल गुजरती है वो उस पर बहुत ज़्यादा असरा पड़े वो काफ़ी देर और बहुत दफ़ा वो डिसकनिकट की गई तो इस किस्म के डिसकनैक्ट के फिर रिपोर्ट्स आती नहीं लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि दुनिया के अंदर ये पूरे की पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं हो रहा था एट सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आप कह सकते हैं कि अभी भी इवन ये चीज रिपोर्ट हुई इवन इन नाइनटीन जीरो फोर एंड फाइव में ड्यूरिंग जापान रशिया वॉर भी ये चीज़ नजर आती है हमें अच्छा कंट्रोल ओवर जिसे आप कह सकते हैं केबल्स पर उस ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उस पर कंट्रोल किसका होगा Because this was something you see very important, and that was considered to be an essential part of the new imperialism. I mean, the one who is controlling the cable, they are controlling the world because they are uh, uh, at an end where they are disseminating the information to the world. control uh, Issues imperial laws, कि वो जो जोग्राफिकली दुनिया पे कंट्रोल हासिल कर रहे थे वो विद द हेल्प ऑफ टेलीग्राम वो लोगों के दिमागों पे और उनके सोसाइटीज पे और उनके कल्चर्स पे भी वन कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया उसकी वजह प्राइमरीली ये थी कि ये जो केबल्स थी जो इतनी डिवेलप हो चुकी थी इन्होंने अब चूंकि इंफॉमेशन सोर्स भी बन चुकी थी पहले ये सिर्फ सोर्स ऑफ कमर्शियल इंफॉर्मेशन थी सोर्स ऑफ ट्रेड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन थी उसके बाद लेटर ऑन जब ये सेंचुरी शुरू होती है तो दे हैव ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली एज अ कंड ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कमर्शल एक्टिविटीज़ एंड इकनॉमिक्स राधा दे बिकेम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द होल वर्ल्ड एज वेल तो अब ये जब एक तरह से इंफॉर्मेशन सोर्स बनना शुरू हुई तो यकीन इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कल्चर ट्रेड्स भी ट्रांसमिट हो रहे थे ममालिक की जो आइडियोलॉजी है वो भी ट्रांसमिट हो रही होती वे ऑफ लिविंग भी ट्रांसमिट हो रहे होते हो रहे थे तो ये सारी चीज़ें जब ट्रांसमिट हो रही थी तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया ये इशू मुख्तलिफ एम्पायरिंग स्टेट्स के लिए या जो मुख्तलिफ कोर ऑफ पार्स थे जो जो क्वार्टर्स ऑफ पार्स थे उनके लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई कि हम किस तरह से इन टेक्नोलॉजीज पे कंट्रोल हासिल करें क्योंकि इन टेक्नोलॉजीज पे कंट्रोल हासिल करने से मुराद दुनिया पे कंट्रोल हासिल करना था आइडियोलॉजी पे कंट्रोल हासिल करना था लोगों के दिमागों सोसाइटीज पे और कल्चर्स पे कंट्रोल हासिल करना था फिजिकली तो वो उन इलाकों को इन्वेड कर चुके थे लेकिन मेंटली और साइकोलॉजिकली और कल्चरली इन्वेजन जो है वो इसके थ्रू बड़े आसानी से हो पा रही थी तो दैट नेसेसिटेटेड टू क्रिएट समल काइंड ऑफ लॉज हों जो कि इन स्टेट्स के कंट्रोल को लेजिटमाइज कर सकें तो ये एक नई दौड़ का आगाज हुआ है और ट्वेंटिय सेंचुरी फिर इस दौर में आपको नजर आता है कि इस दौड़ में बहुत आगे तक गई है और बड़े कन्फ्लिक्ट आर्गूमेंट्स इस पर आते रहे हैं बड़ी कन्फ्लिक्ट थ्योराइजेशन भी इस पर होती रही हैं हम अगले लेक्चर्स में इन कन्फ्लिक्ट थोराइजेशन जो उस पर हुई हैं हम उसका जायजा लेते रहेंगे लेकिन यहाँ पर मैं चूंकि फोकस कर रहा हूँ टेलीग्राफ और टेलीग्राफ से हम थोड़ा सा मज़ीद आगे जाते हैं कि किस तरीके से टेलीग्राफ फिर वायरलेस की फॉर्म में आया यानी केबल्स हट के फिर वायरलेस की फॉर्म में तो उसकी जो अगली डेवलपमेंट थी वो टेलीफोन की सूरत में थी जिस पर मैं एक छोटा सा ग्लिम्स आपको देना चाहूँगा जो आगे हम अगर जाएं तो हमें नज़र ये आता है कि जो टेक्नोलॉजी टेलीग्राफ से टेलीफोनी की तरफ आ, या टेलीग्राफी की तरफ जब गई तो वो वो वक्त था कि जब दुनिया के अंदर वायरलेस कम्युनिकेशन का दौर शुरू हुआ जहाँ पर आ, ये अमकान कम होना शुरू हो गए किसी मुल्क के पास के से जब वो कोई आ, केबल गुजर रही है तो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वॉर वो उस केबल कट करके दो ममालिक को डिसकनेक्ट कर दे तो इस चीज़ के चांसेस आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो गए क्योंकि नई टेक्नोलॉजी ने जन्म लेना शुरू कर दिया वो नई टेक्नोलॉजी नए, नए वेज़ ऑफ कम्युनिकेशन इन फैक्ट डिस्कवर कर रही थी और वो थी वायरलेस कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन को अगर हम देखें तो उसमें जो इम्पोर्टेंट नाम हमारे सामने आते हैं वो यकीन ग्राहम बेल का नजर आता है जिस पर फिर वो बेल कॉरपोरेशन बनी और फिर यहाँ ये वो टाइम था वेरी इंटरेस्टिंगली कि जब हम पीछे की तरफ देखते हैं टेलीग्राफ की तरफ तो वहाँ पर हमें यह नज़र आता है कि ब्रिटिशर्स आर द लीडर And they are the people, those who are controlling the affairs of telegraph in the world. Because they were the inventors and they were the first to initiate that kind of activities in the world. But as when we, when we move to wireless communication, so we that Americans are leading the world. Earlier in telegraph, the Britishers were leading the world. But in, in, in wireless communication, uh, the Americans seem to taking the lead. Uski wajah basically thi this was developed over there. और वहाँ पे जो ए टी एन टी है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कॉरपोरेशन उनकी ये फिर उसके बाद एक इंस्टीट्यूशंस की फॉर्म में वो आना शुरू हुई और वो इस्टेबलिश हुई और उसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन को दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर फैलाया 1901 में अगर हम गिलीमो मार्कोनी की बात करते हैं जो कि एक नई डिस्कवरी थी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक डिस्कवरी थी इसमें फर्स्ट वायरलेस कनेक्शन जो है वो बनाया गया है एक मैसेज ट्रांसमिट किए गए और वो आम तौर पर जो है ना वहाँ पे अमेरिका में जो नेवल अरेंजमेंट्स थी उनकी जो नेवल फोर्स है उसकी अरेंजमेंट से आ, ये पहली जो है ना वो कम्युनिकेशन की गई और फिर उसके बाद यकीनन इसका बड़ा फ़ायदा जो है वो न्यूज़ इंडस्ट्री को हुआ ब्रिटिश एम्पायर भी इसमें आई और उसने भी इस टेक्नोलॉजी का बड़ा एडवांटेज लिया और मारकूनी वायरल टेलीग्राफ कंपनी के नाम से उन्होंने इस चीज़ को डिवेलप किया ग्रेट ब्रिटेन के अंदर और उसने फिर यकीन दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अपनी डोमिनेशन क्रिएट करने की कोशिश की इन वायरलेस कम्युनिकेशन और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अमरीकन्स की जो ए टी एन टी जो कंपनी है उसने अपना कंट्रोल भी एग्जर्ट करना शुरू कर दिया तो ये बेसिकली देख कम इन कॉम्पिटिशन विद ई तज एट इंटरनेशनल लेवल और uh, अमरीकन कंपनीज को नजर ये आता है कि ज्यादा एज हासिल था क्योंकि ये प्राइमरीली उन्होंने ज़्यादा इस एक्सपेरिमेंट तो किया रिफाइनमेंट उन लोगों ने की और उसके बाद उनका कंट्रोल जो है वो इस पर बड़ा ज़्यादा रहा लेकिन अगर हम पीछे जाएँ तो टेलीग्राफ पे ज़्यादा कंट्रोल हमें ब्रिटिशर्स का नजर आता है लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन पे हमें ज़्यादा कंट्रोल अमरीकन्स का नज़र आता है इसके अलावा एक फिर एक बर्लिन कॉन्फ्रेंस ऑन वायरलेस टेलीग्राफी इन 1906, 1906 में एक इस किस्म की बर्लिन के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई एंड दैट वॉज फर्स्ट ऑफ़ इट्स काइंड के जिसमें मल्टी नेटरल एग्रीमेंट्स जो हैं वो आ, रेडियो टेलीग्राफी पे डेवलप हुए साइन किए गए और इंटरनेशनल जो आ, रेडियो टेलीग्राफ यूनियन है उसका उन्नीस सौ में जन्म लिया तो 1906 सौ छ में आ, जब इस रेडियो टेलीग्राफ यूनियन है इसका जब जन्म हुआ तो फिर यहाँ पर आ, वायरलेस कम्युनिकेशन की भी रेगुलेशंस और उसकी भी मेकनिज़म्स uh, कौन से लाओ उसको गवर्न करेंगे उसके हवाले से बातें होना शुरू हो गई और उसके हवाले से भी मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स जो हैं वो आ, आना शुरू हो गए हम थोड़ा सा यहाँ पे मजीद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं जब वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड में अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स केबल और वायरल कम्यूनिकेशन के हवाले से हमारे सामने आते हैं ये वो वक्त था जो यकीन एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक दुनिया उसमें फंसी हुई थी और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर आ, आ, अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जन्म लिया वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड तो वहां पर इस किस्म के इवेंट्स बड़े ज़्यादा हुए जिसमें मुख्तलिफ इलाकों की जो टेलीग्राफ कनेक्शन हैं वो कट कर दिए गए आ, उन उनकी वजह से बड़ा लॉसेस भी हुआ दुनिया को और बड़े जो एग्रीमेंट्स थे उनकी वायलेशन भी हमें वहां पे नज़र आती हैं वर्ल्ड वॉर टू के अंदर भी इस किस्म की वायलेशन हमें नज़र आती हैं बहुत ज़्यादा फॉर इंस्टेंस के जब ये वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकेंड के अंदर जब ये इस किस्म के डिसकनेक्शनस हुए तो दुनिया में बड़ा हुआ इनक्राई हुआ और जर्मनी को इसमें एक बहुत बड़ा लाश पे इस हवाले से सफ़र करना पड़ा वो ना सिर्फ और सिर्फ वॉर का लाश था कि उनकी जो वार कम्युनिकेशन थी वो नहीं हो रही थी उनके ट्रेड का भी बहुत बड़ा लाश हुआ तो इस पर फिर बड़े कन्सोशियम हुए बड़े कॉन्फ्रेंसिज और मल्टी डिस्कशंस इस पर कि किस तरह से कोई ऐसा मेकनिज़म इवॉल्व किया जाए जो कि इस किस्म की सूरत हाल में हमें ले जाए जहाँ पर इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट या वॉर कोई डिसकनिक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन ना हो तो इस पर मुख्तफ एग्रीमेंट्स डिवेलप हुए जैसे फॉर एक्जाम्पल यूनाट स्टेट्स की ये उसके हवाले से सजेशन थी कि देर शुड बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी एंड दैट शुड बी बियॉन्ड एनी स्टेट कंट्रोल एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो कि इस किस्म के रेगोलेशन को गवर्न कर रहे हैं और अगर आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखें तो हो सकता है कि आपको शायद वो जो एग्रीमेंट ऑफ वर है जो कि लीग ऑफ नेशंस की आ, जब तरफ हम जा रहे थे आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो उस वक्त इस पर बड़ी हीटेड डिबेट्स हुई कि ये आपस में जब कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो दे कट डाउन देयर कम्युनिकेशन नेटवर्क तो उस पर बड़ी ज़्यादा इस पर डिबेट हुई ये बेसिकली यूएन की फॉर्म थी जो कि यूएन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बनती है लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में लीग ऑफ नेशन सेल्स जो उसकी मीटिंग्स हुई तो सबसे ज्यादा जो हीटेड डिबेट्स रही थी वो इस हवाले से रही थी कि क्यों ये कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आपस में हमारे डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो इस पे यूएन एन की यूनाइटेड स्टेट्स की सजेशन ये थी कि देर शुड बी अ थर्ड पार्टी देश शुड बी इंडिपेंडेंट पार्टी दैट शुड हैव अ कंट्रोल ओवर दटरनेशनल नेटवर्क ऑफ टेलीग्राफ और उस पे किसी स्टेट का कंट्रोल ना हो उस आ, आ, एग्रीमेंट के तहत इस तरह से आगे मूव किया जाए लेकिन इसको फिर यकीन बहुत सारे और इसको इसको रिबट किया क्योंकि उनके कमर्शियल इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे क्योंकि मोर देन फोर्टी थ्री परसेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन टेलीग्राफ फ्रॉम ब्रिटेन वॉज फ्राम द प्राइवेट सेक्टर तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे और दे डू नॉट वॉन्ट टू हैव दैट काइंड ऑफ डिनेशन ऑफ प्राइवेट कंसर्न ओवर देयर कम्युनिकेशन नेटवर्क क्योंकि प्राइवेट कंसर्न अगर कोई ऐसी आ जाती है तो उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यकीनन लीक हो जाएंगी तो दे डिन नॉट वॉन्ट हैव दैट काइंड ओवर दर इवन मोर देन 20 परसेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फ्रांस थी जो कि उनकी इंटरनेशनल uh, uh, और जो मुख्तफ कमर्शल फॉर्म्स थी उनकी कंट्रीब्यूशन उसमें थी तो दे आल्सो डि नाट वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ टेलीग्राफ तो इस किस्म की चीज़ों को बहुत ज़्यादा फिर यकीन अपलॉड नहीं मिली और फाइनली इसको एग्री नहीं किया गया लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन ऑफ कोर्स रहा था आ, आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जहां पर यह देखने की कोशिश की गई कि हम किस तरीके से इस किस्म की चीज़ों से अपनी जान छुड़ा सकते हैं लेकिन फिर उसके बाद सूरत हाल तब्दील हुई क्योंकि जब टेलीग्राफी या रेडियो टेलीग्राफ की जब बात आना शुरू हुई जब वहाँ पर वायरलेस के थ्रू यानी किसी भी वायर के बगैर कम्युनिकेशन के थ्रू जब बातें होना शुरू हुई तो उस वक्त इस बात की फिर सिग्निफिकेंस कम हो गई कि देर शुड बी एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट अमंग ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट दे वुड नॉट इंटरफेयर द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंट्रीज इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर क्योंकि जब वायरलेस कम्युनिकेशन हो गई तो दैट वॉज गोइंग बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी स्टेट यानी किसी भी स्टेट के पास फिर ये कंट्रोल्स तो उस वक्त नहीं थे कि वो आसानी से इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते एक सिलसिला जो हो सकता था वो जैमिंग ऑफ दी वायरलेशस कम्युनिकेशन जो कि हमें फिर आगे नज़र आती है जब हम आगे लेक्चर्स देखेंगे तो वहाँ पर हम आपको ये बताने कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जैमिंग ऑफ वायरलेशस कम्युनिकेशन जो रेडियो कम्युनिकेशन हो रही थी वो सोवियत जूनियर ने फिर किस तरह से की उसके हवाले से फिर बड़ी बातें हैं जो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे लेकिन जब ये बातें हो रही थी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार उस वक्त ये تصورات बड़े कम थे के इसके लिए कुछ जैमिंग भी हो सकती है तो जैमिंग का सिलसिला जो है ना वो फिर बाद में आना शुरू हुआ तो इट वॉज सम हाउ जो टेलीग्राफ के ऊपर ज्यादा कंट्रोल्स के हवाले से जो बातें थी वो कम हो गई उसकी वजह बेसिकली बर्थ ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन थी डियर स्टूडेंट्स मैं आपको आगे ले जाता हूं और टेलीग्राफ के हवाले से फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम में या इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में जिस चीज का इजाफा हुआ वो थी इन फैक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो थी न्यूज एजेंसीज ये जो इरा ऑफ न्यूज एजेंसीज है एज ए रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड टेली जो न्यूज एजेंसीज ने जन्म लिया ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है बड़े इंटरेस्टिंग डिबेट है एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू डिस्कस वन के स्टडी विद यू एंड दैट इज द राइज ऑफ राइटर्स राइटर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है उसके हवाले से भी मैं डिस्कशन में आपको ले जाऊंगा लेकिन मैं थोड़ा सा पहले ये बताने की कोशिश करता हूं कि न्यूज एजेंसीज कैसे इंपॉर्टेंट हुई और न्यूज़ एजेंसीज की जो ग्रोथ है वो इस हवाले से कैसे हुई अच्छा हमारे पास दो किस्म की इंपॉर्टेंट न्यूज़ सोर्सेज होती हैं एक तो वो होती हैं जिनको हम मैनुफेक्चर न्यूज़ कहते हैं मैनुफेक्चर न्यूज़ से मेरी मुराद यहाँ पे ये यह है कि वो न्यूज़ जो आप तैयार करते हैं फॉर इंस्टेंस के आ, कोई एक इकोनॉमिक रिपोर्ट है या कोई एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि हाईली पेरिशेबल इन टाइम नहीं है उसमें जो है ना वो टाइमलीनेस की शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन दूसरी किस्म की न्यूज वो होती हैं जो बड़ी स्पॉन्टेनियस न्यूज होती हैं इमीजिएटली अकर होने वाली न्यूज़ और उसकी इमीजिएट ट्रांसमिशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अब ये दो वेरियस फॉर्म ऑफ न्यूज में पहली बात तो ये जहन में रखिएगा कि मैं जब आपको ये बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि आई एम टेकिंग यू बैक वैन दी न्यूज एजेंसीज वर इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग फाउंडेशन इन न्यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर न्यूज एजेंसीज अपना कोई रोल स्टेब्लिश uh, करने की कोशिश कर रही थी तो मैं उस वक्त के ये जो दो फॉर्म सीन की बात कर रहा हूं तो जब स्पॉन्टेनियस न्यूज की जहां पर बात आती है तो वहां पर यूजली देखा यह गया न्यूज पेपर के जो अपने सोर्सेज हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दे गो टू द प्लेस वेयर द न्यूज हैज अकर्ड दे आर रिपोर्टिंग फ्रॉम देयर टू द न्यूज एजेंसी या अपने जो न्यूज uh, पेपर है उसको वो डायरेक्टली अपने मीडिया को रिपोर्ट कर रहे हैं बट देर आर सर्टन न्यूज आइटम्स विच आर सपोज टू बी मैनुफेक्चर्ड फॉर एग्जाम्पल एनालिसिस हो गए कोई पॉलिसी है उसके हवाले से कमेंट्स हो गए या इसके अलावा ऐसी न्यूज़ हो गई जो कि आप हाउंड करते हैं ढूंढते हैं और फिर उसके बाद यू मेक इट पार्ट ऑफ द न्यूज़ पेपर या अपने मीडिया का हिस्सा उसको बनाते हैं तो ऐसी न्यूज़ के लिए जो कि मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़ थी न्यूज एजेंसीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी उसकी वजह बेसिकली ये थी कि न्यूज एजेंसीज है इनफेक्ट दस फीडिंग टू देश मीडिया ऑर्गेनाइजेशन दर्ल्ड जबकि मीडिया ऑर्गेनाइजेशइसोलेशन में काम कर रहे थे स्मॉल यूनिट्स के अंदर काम कर रहे थे हैविंग वेरी लिटल रीच टू देरियस न्यूज सोर्स एंड न्यूज प्लेज इन देर ओन कंट्रोल जबकि दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में उनका कंट्रोल नहीं था फॉर इंस्टेंस मैं अगर इसकी एग्जाम्पल इसको इन लाहौर जबकि कोई एक न्यूज तो कर रहे हैं डू नॉट है ब्रांचेस इन वेरियस पार्ट ऑफ दर्ल्ड दोन ईजिली सेंड दम न्यूज आइटम एंड दट टू इंस्टेंटली तो ये uh, जो कमी थी इसका पूरा करने के लिए न्यूज एजेंसी वजूद में आए इसको पूरा करने के लिए टेलीग्राफिकली कनेक्टेड न्यूज ऑर्गनाइजेशन जो हैं वो मौजूद में आई और वो इस न्यूज एजेंसीज़ की सूरत में थी जो वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से मुख्तफ मीडिया ऑर्गनाइजेश को न्यूज़ फीड कर रही थी न्यूज प्रोवाइड कर रही थी तो दे बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट उसकी प्राइमरी वजह के न्यूज के पास कोई बड़े सेटअप नहीं थे और कम्यूनिकेशन का नेटवर्क जो है दैट वॉज लेस वायरलेस मोर बेस्ड ऑन केबल्स तो जिसकी वजह से न्यूज़ एजेंसीज की जरूरत को ज़्यादा महसूस किया गया और वो न्यूज़ एजेंसीज मुखलिफ मीडिया ऑर्गनाइजेशन के लिए न्यूज़ फीडिंग चैनल्स के तौर पर सामने आई दुनिया में आ, जो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो उस वक्त देखें तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एजेंसीज सामने आई एक जो अमरीकन बेस्ड थी और दूसरी ब्रिटेन बेस्ड थी अमेरिकन बेस्ड न्यूज़ एजेंसी का नाम था प्रेस और ब्रिटेन बेस्ड न्यूज एजेंसी उसका नाम था राइटर जो अमेरिकन बेस्ड न्यूज एजेंसी थी वो बेसिकली इस न्यूज एजेंसी को जो कि उससे पहले पैदा हुई राइटर्स तो राइटर्स को काउंटर करने के लिए अमेरिकन Uh, जो पॉलिसी uh, है उसको इस्टेब्लिश कराने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन दुनिया तक पहुँचाने के लिए वजूद में आए और जो ब्रिटिश न्यूज एजेंसी थी उसके बारे में हम आज थोड़ा सा मजीद भी बात करेंगे कि दे वर दे ओनली दिन इंडिपेंडेंट न्यूज एजेंसीज आर ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज सम कंट्रोल ऑन इट इस पे हम थोड़ी सी अभी थोड़ी देर में डिबेट करते हैं लेकिन uh, uh, ये बताने के लिए कि इन दोनों न्यूज एजेंसीज के अपने एजेंडा थे जो कि सम हाउ आइडियालॉजिकली एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट थे दो मुख्तलिफ मुख्तलिफी आइडियालॉजीज़ भी थी सम हाउ डिफरेंट आइडियालॉजीज तो उसकी वजह से इनका आपस में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट में या कम्पटिशन में से uh, के कॉम्पटिशन में इनका आपस में आना जरूरी था बिकॉज के दिस वॉज वार ऑफ कंट्रोल ओवर द माइंड ऑफ द पीपल ओवर द सोसाइटीज़ तो ऐसी सूरत हाल में दोनों सोसाइटीज़ अपनी ऑर्गनाइजेशन को न्यूज़ एजेंसीस को सपोर्ट कर रही थी कि दे शुड प्ले

फ्रांस की जो न्यूज एजेंसी उसका नाम था हवाना जो कि बाद में फिर ए के तौर पर सामने आई दैट वॉज स्टैब्लिश इन एटीन सम टाइम तो उस वक्त भी ये एजेंसी भी उस वक्त थी लेकिन ऑफ कोर्स चूंकि जिस तरीके से फ्रांस का कंट्रोल यानी फ्रेंच कॉलोनीज कम थी उनका कंट्रोल दुनिया के बड़े लिमिटेड एरियाज पे था तो यहाँ पर ये एजेंसी भी एक लिमिटेड रोल प्ले करते हुए यहाँ पर नजर आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए ये एजेंसी नजर नहीं आती सिमिलरली अगर हम उस दूसरी तरफ जाए तो हमारे पास जो कॉम्युनिस्ट ब्लॉक है वहाँ पर भी हमें तास जो रशियन एक न्यूज़ एजेंसी है उसका भी हमें कंट्रोल नज़र आता है लेकिन वो भी उनका कंट्रोल भी मोस्टली जो आ, उनके डोमिनेटेड कंट्रीज थे लाइक पोलैंड या जोगोसलाविया या आ, ये इलाके थे यहाँ पे इनका कंट्रोल ज़्यादा नजर आता है या सेंट्रल एशियन स्टेट्स पे उनका कंट्रोल ज़्यादा नज़र आता है तो उनका अपने रीजन के अंदर एक कंट्रोल था सिमिलरली बर्लिन जर्मनी से भी न्यूज़ एजेंसी काम कर रही थी जो कि अपनी मुल्क के जो न्यूज़ हैं और अपने मुल्क का जो कंट्रोल है वो इस्टेब्लिश करने के लिए मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अपना रोल प्ले कर रही थी लेकिन बिसाइड ऑल दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें उस वक्त दुनिया के अंदर नजर आ रही थीं, वो ये दो मेन एजेंसीज थीं जो अपना रोल प्ले कर रही थी और दुनिया के अंदर नजर आ रही में अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की तरफ लेके जाता हूं कि एक राइटर्स जो है यानी न्यूज एजेंसी राइटर किस तरीके से डिवेलप हुई उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा राइटर एक ब्रिटिश न्यूज एजेंसी है जो कि एक्सपैंड हुई आ, इनफेक्ट फॉर दी इंफॉर्मेशन और प्रोविजन ऑफ इन्फॉमेसन ऑन ट्रेड एंड इकनॉमिक्स और इसके अलावा जो इस किस्म के इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो इन्फॉमेसन थी वो उस हवाले से ये आर्गनाइजेशन डिवेलप हुई और बहुत ज़्यादा इस आर्गनाइजेशन ने उस हवाले से काम भी किया और टेली ग्राफिक जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ इन्फॉमेसन रही है एटीन सिक्सटी वन में आ, ये दुनिया के मुख्तलफ इलाक़ों को हंड्रेड्स ऑफ डेड लाइन्स जो है ना वो प्रोवाइड कर रही थी और इसका जो मेजर uh, जो ब्रिटिश uh, कॉलोनीज थी जिसमें इंडिया भी है ऑस्ट्रेलिया भी है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका इन तमाम कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटेन से कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से इंफॉर्मेशन जो है वो uh, uh, पहुंचा रही थी सेंटर को कोर को पहुँचा रही थी और कोर के इन्फॉर्मेशन इन इलाकों में ले जा रही थी तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इनफैक्ट ये एक प्राइवेट एजेंसी थी और इसका प्राइवेट कंसर्न के तौर पर यह चीज सामने आ रही थी लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी और ब्रिटिश जो ऑफिस ऑफ आफ कोलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था दैट वाज हैंडलिंग द अफेयर्स ऑफ मेन अफेयर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि ब्रिटिश अपने इन स्टेट्स के अंदर कंट्रोल को स्टेब्लिश करना चाह रही थी स्ट्रॉन्ग करना चाह रही थी तो दे वर यूजिंग राइटर एज देयर माउथ पीस एज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीन ऑफ कंट्रोल राइटर को लिया जा रहा था एटीन सेवनटी में अगर हम देखें तो राइटर्स uh, के जो ऑफिस थे वो इन तकरीब तमाम मेजर uh, जो कॉलोनीस के जो स्टेट थे uh, जो कॉलोनीस की uh, हेड क्वार्टर्स थे इन सब जगहों पर तकरीबन राइटर्स का ऑफिस मौजूद थे और आप अगर इसको इंडिया साउथ ईस्ट एशिया चाइना जापान और ऑस्ट्रेलिया जहाँ भी आप चले जाएँ दू तो विल सी दी ऑफिस ऑफ राइटर ओवर देन एंड देवर ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनेदर इवन शंघाई में भी सेवनटी वन एटीन सेवनटी वन में शंघाई ने भी अपना एक हेडकोार्टर राइटर्स uh, ने डिवेलप किया जो कि ईस्ट एशिया में अपनी प्रेजेंस को शो कर रहा था और उनकी इन्फॉर्मेशन को बिगिनिंग तो उन्होंने अगरचे के कमर्शल से शुरू की थी फिर उसके बाद पोलिटिकल इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन अबाउट दी ब्रिटिश uh, एम्पायर भी देना शुरू कर दी और इसके अलावा जो एस पी एन आज के फंक्शन थे

जो एक्सपेंशन यूरोपियन कैपिटलिज्म की एक तरह से विद द हेल्प ऑफ राइटर्स जो होना शुरू हुई वो एक बहुत एक्सपेंशन की सूरत में बड़ी एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर नजर आए जो कि बेसिकली ब्रिटिश एम्पायर के रिलेशनशिप कॉलोनीज है ना वो डिटर्मन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे और जो लोग राइटर्स uh, की इंपॉर्टेंट पोजिशन होल्ड कर रहे थे वेरी इंटरेस्टिंग देवर पीपल दो आर द ब्रिटिश एम्पायर उनमें से अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूँ तो हो सकता है कि चंद एक एग्जैंपल हमारे सामने ऐसे आए जो कि बेसिकली ब्रिटिश एम्पायर के अपॉइंटेड लोग थे लाइक जॉर्ज जोन्स, डायरेक्टर वॉज राइटर्स ड्यूरिंग ऑफ़ इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड इस तरीके से राइटर्स की डोमिनेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल थी वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुई दैट एक्सटेंडेड टू तो वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और उन तक इन्फॉर्मेशन uh, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी वो पहुंचाई जा रही थी और उनकी जो कंपीटिंग ऑर्गेनाइजेशन थी उन सबको भी किसी तरीके से काउंटर किया जा रहा था देट वॉज इनफैक्ट राइटर विकेम टूल ऑफ प्रोपेगेंडा फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर वेरियस पीरियड्स ऑफ टाइम खासतौर पर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान में बहुत ज़्यादा इन लोगों ने uh, जो लोग इसमें काम कर रहे थे देवर प्लेइंग देयर रोल Uh, मैं एक एंड नोट के तौर पर आपको ये बताने कोशिश करूंगा कि एंड ऑफ ट्वेंटिय सेंचुरी जब होती है तो उस वक्त इनका जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाता है और इस आर्गनाइजेशन पे जिसको एक प्राइवेट सेक्टर आर्गनाइजेशन थी इस पे जो ब्रिटिश अंपायर का कंट्रोल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो जूलियस राइटर वगैरह जिसको कार्ल मार्क्स इवन ये भी कहता है कि ग्रामेटिकली इलिटरेट जू ही वॉज़ Uh, wo he became the uh, head of the world's largest uh, news agency in the world. At that time, 183 bureaus in the More than 2,000 journalists were working under, under the command of that uh, uh, center of uh, news agency. Or it has uh, its operation in 157 different countries of the world, 23 different languages. Ke indar, ट्रांसमिट uh, कर रही थी इंफॉर्मेशन को एंड दैट हैड ह्यूज बजट उसके बजट की अगर आप एग्जांपल लें तो दैट वाज इन बिलियंस अगर मैं इसका कोई पुराने बजट कोट करूं तो दैट वाज आल्सो इवन इन मिलियंस जो मिलियन पाउंड्स की सूरत में नजर आता है तो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी राइटर्स uh, जिसको प्राइवेट uh, कंसर्न के तौर पर लेकिन उसको ब्रिटिश एम्पायर अपने मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर रही थी डियर स्टूडेंट्स यहाँ आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से टेलीग्राफ एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के, के तौर पर सामने आया फिर उसके बाद न्यूज़ एजेंसीज कैसे डिवेलप हुई और राइटर को हमने देखने की कोशिश की कि कैसे एक न्यूज़ एजेंसी एक माउथ पीस ऑफ एन एम्पायर बनती है और उसके थ्रू किस तरीके से मुख्तलि रीजन्स तक अपनी बात पहुँचाई जाती है प्रोपेगेंडा पहुँचाया जाता है यहाँ तक आज का लेक्चर ख़त्म होता है अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़